नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरसीबी टीम के बारे में, जहां पर दोस्तों आरसीबी टीम से जुड़ी दो बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जिसके बारे में सारी जानकारी जो है आगे आप सभी को मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो भाइयों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फ़ैन हो तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। वहीं हमारे चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि रोज़ाना अपडेट्स आप तक हमेशा सबसे पहले पहुँचते रहे। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले बात करें आरसीबी टीम की, तो आरसीबी टीम ने ऑक्शन 2021 से पहले जो है अपने कई बड़े खिलाड़ी को रिलीज़ कर दिया है, जिसमें एरन फिंच, डेल स्टेन, इजरुदाना और क्रिस मॉरिस जैसे कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। वहीं भारतीय नामों में आरसीबी टीम ने गुरकिरत सिंह मान, शिवम दुबे और उमेश यादव जैसे बड़े खिलाड़ियों को रिलीज़ कर दिया है। अब ऐसे में दोस्तों ऑक्शन 2021 से आरसीबी टीम की यही रणनीति होने वाली है कि कुछ बड़े खिलाड़ियों को अपने स्क्वाड में खरीद कर लाया जाए, स्क्वाड को मजबूत बनाया जाए। वहीं दोस्तों आरसीबी टीम यही चाहेगी कि ऑक्शन 2021 से जो है सबसे पहले तो एक अच्छा ओपनर खरीदा जाए। इसके बाद दोस्तों आरसीबी टीम की रिक्वायरमेंट है कुछ अच्छे भारतीय खिलाड़ियों की। इसके बाद दोस्तों लास्ट में आरसीबी टीम यही चाहेगी कि एक अच्छा ओवरसीज तेज गेंदबाज शामिल होना चाहिए आरसीबी टीम के स्क्वाड में। ऑक्शन 2021 से एक अच्छा ओवरसीज तेज गेंदबाज जो आरसीबी टीम लेके आना चाहेगी अपने स्क्वाड में, क्योंकि भाइयों यहां पर आरसीबी की टीम ने ऑक्शन 2021 से पहले डेल स्टेन, इजरुदाना और क्रिस मॉरिस जैसे अच्छे तेज गेंदबाजों को रिलीज कर दिया। वैसे में दोस्तों आरसीबी टीम की ये रिक्वायरमेंट बढ़ गई है कि आरसीबी टीम को एक गेंदबाज जो है ओवरसीज तेज गेंदबाज जो है हर हाल में अपने स्क्वाड में चाहिए ही, जो कि रेगुलर प्लेइंग 11 में खेल भी सके और टीम के लिए विकेट्स निकालकर टीम के लिए मैचेस भी जितवा सके। इसलिए दोस्तों आरसीबी टीम की यहां पर एक बड़ी रिक्वायरमेंट होने वाली है एक अच्छे तेज गेंदबाज की। तो दोस्तों ये बातचीत जो है हम स्टार्टिंग से करते चले आ रहे हैं कि आरसीबी टीम की यहां पर तीन सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होने वाली है, जो कि पहले होने वाली है एक ओपनर की। इसके बाद दोस्तों मिडल ऑर्डर में कुछ अच्छे भारतीय बल्लेबाज, वहीं दोस्तों एक या दो फिर अच्छे विदेशी बल्लेबाज। आरसीबी टीम को गेंदबाजी में यहां पर कुछ अच्छे तेज गेंदबाज लाने होंगे, जिसमें कुछ ओवरसीज गेंदबाज भी शामिल होने चाहिए। हालांकि दोस्तों आरसीबी टीम के पास फिलहाल जो है स्लॉट्स जो है 11 ही खाली हैं, जिसमें 8 भारतीय खिलाड़ी खरीद सकते हैं वो, जबकि 3 ही ओवरसीज खिलाड़ी वो खरीद सकते हैं। अब 3 ओवरसीज खिलाड़ियों में आरसीबी टीम जो है एक ओपनर लेना चाहेगी, एक मिडल ऑर्डर का अच्छा बल्लेबाज, वहीं एक दोस्तों अच्छा ओवरसीज तेज गेंदबाज खरीदना चाहेगी। तो दोस्तों ये आरसीबी टीम की दरकार है ऑक्शन 2021 से अपने स्क्वाड को और भी ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं न्यूज़ क्या आ रही है, यानी कि दो बड़ी अपडेट्स क्या निकल कर आ रही है। तो भाइयों यहाँ पर सबसे पहली बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है मानस लबुसेन को लेकर, जो कि IPL 2021 के लिए रजिस्टर कर रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, IPL 2021 ऑक्शन के लिए मानस लबुसेन रजिस्टर कर चुके हैं, वो IPL 2021 में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में आरसीबी टीम के लिए एक अच्छा विकल्प आ गया है मानस लबुसेन के रूप में, जो कि एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। लबुसेन जो है इनिंग्स को एंकर कर सकते हैं, हालांकि अभी तक हमने उन्हें ज़्यादातर टेस्ट मैचों में देखा है, लेकिन दोस्तों उनमें काबिलियत है, वो अच्छे इनिंग्स खेल सकते हैं आरसीबी टीम के लिए। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने बिग बैश लीग 2020-21 में शानदार गेंदबाजी की है, और जितने भी मैचेस उन्होंने खेले हैं लगभग हर एक मैच में उन्होंने विकेट्स हासिल किए हैं, वो भी एक या दो विकेट नहीं 3 विकेट तक भी उन्होंने हासिल किए हैं। अच्छी खासी गेंदबाजी की हुई है, अच्छा लेग स्पिन कराते हैं, इसके अलावा बल्लेबाजी तो हम उनकी जानते ही हैं किस तरह से वो बल्लेबाजी करते हैं। इसलिए दोस्तों मानस लबुसेन के रूप में यहाँ पर आरसीबी टीम के पास एक अच्छा विकल्प मिल गया है। अगर डेविड मलान, जेसन रॉय जैसे खिलाड़ियों के लिए वो नहीं जा सकते हैं, तो फिर मानस लबुसेन जो आरसीबी टीम के लिए एक अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं IPL 2021 के लिए। वहीं दोस्तों लबुसेन ने इंटरव्यू में ये कह दिया है कि वो IPL 2021 ऑक्शन के लिए रजिस्टर कर लिए हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि वो इस टूर्नामेंट में खेलना चाहते हैं, क्योंकि ये टूर्नामेंट काफ़ी बड़ा है, यहाँ पर वो शामिल होना चाहते हैं। इसलिए दोस्तों लबुसेन के रूप में यहाँ पर आरसीबी टीम के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है ऑक्शन 2021 में। वही दोस्तों दूसरी बड़ी अपडेट ये आ रही है कि माइक हेसन जो है वो भारत में आ चुके हैं, बेंगलोर में वो अराइव कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, माइक हेसन जो कि आरसीबी टीम के डायरेक्टर हैं, वो ऑक्शन 2021 के लिए भारत में आ चुके हैं, बेंगलोर में वो पहुंच चुके हैं ऑक्शन 2021 के लिए। अब उनकी नज़र यही होगी कि IPL 2021 के लिए आरसीबी टीम में कौन से खिलाड़ी को शामिल करना चाहिए ऑक्शन से, कौन से खिलाड़ी को टीम में लाना चाहिए, कौन से भारतीय खिलाड़ी अच्छे होंगे और कौन से विदेशी खिलाड़ी अच्छे होंगे, सारी की सारी प्लानिंग जो है करते हुए नजर आएंगे हमें माइक हेसन, वो भारत में आ चुके हैं। तो दोस्तों ये थी सारी अपडेट्स, सारी जानकारी आरसीबी टीम से जुड़ी हमारी तरफ से। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।